मैं जानता हूं क्योंकि बहुत सारे को-स्टार्स रह चुके हैं मेरे दोस्त अभिषेक बच्चन, जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की थी रोहन सिप्पी के सेट पर, उन्होंने भी अवॉइड किया था कि आई डोंट वांट गेट इट हैसल्ड, आई डोंट वांट गेट इन्वॉल्व। शाहरुख खान के साथ लोग जानते हैं क्या बदतमीजी हुई थी, ऋषि कपूर के बेटे के साथ बदतमीजी हुई थी, सुभाष घई के साथ, मैनी मैनी पीपल, एंड एवरीबडी हैज सेड दैट भाई यार रहने दो, अब वो पागल है, शराब के नशे में बोलता है, ये है, डिस्टर्ब्ड है, फलाना है फलाना है, बट दिल का अच्छा है। मेरा कहना है कि अच्छा वो इंसान है जो अच्छे काम करता है, आप बुरे काम करोगे तो आप बुरे इंसान। और मैं ये भी कहता हूं कि हर बार अगर हम वी लुक द अदर वे, हर बार अगर हम चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लें और अनजान बन जाएं किसी वाक्य से या किसी किस्से से, तो फिर ये कब तक चलता रहेगा? किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को एक एक स्टैंड लेकर। आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज फॉर दैट रीजन, मीडिया को बुलाकर मैं सबसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक हम निर्धारित करें कि हमारा क्या स्टैंड है इस पर। मैं कम से कम करना चाहता हूं, आई वांट टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस इशू कि कब तक हम ये सब सहते रहेंगे, कब तक ये बकवास चलता रहेगा, कब तक हम ये सब ब्रिटिश बिहेवियर टॉलरेट करते रहेंगे। तो जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने डांटा उनको, तो 5 सेकंड के लिए तो दंग रह गए। जब मैंने चिल्लाया तो उन्होंने कहा तूने क्या कहा? मैंने कहा जो मैंने कहा वो आपने सुना। एंड ही सेड कि यू नो व्हाट आई कैन डू, आई सेड व्हाट, सो ही सेज आई एम गोइंग टू कम देयर एंड किल यू राइट नाउ। तो मैंने कहा आर यू गोइंग टू टॉक, आर यू गोइंग टू डू इट? तो ही सेज आई एम कमिंग देयर राइट नाउ। आई सेड कम, बट कम प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट लाइक the other boys that you threaten like a school bully and everybody keeps quiet. I'm not like that. See, I'm not an aggressive person. I don't like fights. In my entire career, I've never had controversy. I don't like controversies. I'm a peaceful guy. I'm an amiable, happy guy. I don't have grudges against anybody. I don't have problems against anybody. In my entire career, despite recent silly rumors, I've never had so much so as an incident where I've raised my hand or shouted or even screamed at someone. It's never happened. But he was pushing me to an edge and I was upset. I said that, okay, damn it, if you want, he says, I want to fight you. So I said, come, I'm ready to fight. Just know that I'm a boxing champ. I'm not a kid who will keep quiet and get scared of you. And I've taken guys who are twice the size of you down in 60 seconds and less in the ring. I know how to defend myself. And if you want a fight, come, fight. So he says, that's it, you had it. You know what you're talking. So malum hai tu kisse baat kar raha. He started screaming, shouting. I said, don't talk, Salma. If you want to fight, fight. Come and see me right now, I'm waiting. I opened this main gate of mine. And I stood outside on the road and I waited. He said he was going to come here and he was going to kill me and I was going to regret this day. Among the many thousand bad words and expletives that he has used. मतलब मैंने एक बुरी बुरी बातों और गालियों का एक एक डिक्शनरी छपवा सकता हूँ उस एक कॉन्वर्जेशन के बाद। मैंने सोहेल खान को फ़ोन किया जो मेरे बहुत करीब दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं। मैं सोहेल को कहा, सोहेल मेरे बहुत करीब दोस्त हो, यही ये घटना हुई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके बाद अगर मेरा और आपका रिश्ता इस पर निर्भर है तो ख़राब नहीं होना चाहिए। आपके भाई ने इस तरह की बदतमीजी की है और आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन इफ ही कम्स हियर। मेरे आड़े आएगा तो मेरे से मार खाएगा। तो ही सेड कि व्हाट आर यू टॉकिंग, डोंट डू दिस, डोंट बिहेव लाइक दिस, ही इज जस्ट अपसेट, ही इज डिस्टर्ब। आई सेड सोहेल आई अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्रदर फील्स। आई सेड सोहेल यू नो मी, when Nirvan, Sohail's son, was sick in hospital, I was calling Sohail constantly, inquiring about him. I went up to Mount Mary and lit a candle for him. That's the relationship I share. That's the love that is there between me and Sohail and me and Arbaaz, and the respect that's there for Salim uncle. But this is too much to tolerate for anybody. Any self-respecting man will not tolerate this kind of nonsense. I don't know how the others have done it. I have decided to take a stand. I can't take it. I told him, I said, Sohail, if he comes here, it's going to be hand to hand, and I'm not scared of anybody. I don't fear anything. I am my father's son. I have not done anybody wrong. I have not wronged anybody. If somebody wrongs me, I know how to handle the situation. And I called Arbaaz. I informed him. Arbaaz was very nice to me. He said, look, the best I can tell you is he's disturbed. He's under alcohol. The best thing to ignore him. But if he comes there, he creates a scene in your house. You handle it the best way you can. Your relationship with me will never get spoiled. Even if I can't publicly acknowledge it, I'm there for you. I'm your friend, I will work with you, I will always be your friend, and I support what you've done because what he's doing is wrong, it's not your fault. And any man who has to defend his house, his honor, his respect, and raises his hand for that, it's okay.